कृषि कनेक्शन के टेंडर ने उड़ाए हैं डिस्कॉम के फ्यूज। 1 लाख से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन देने से जुड़ी हुई यह खबर है। टर्नकी प्रोजेक्ट के तहत जारी टेंडर में ठेकेदारों ने पुल बनाया। पुल के खेल में 2300 करोड़ का टेंडर पहुंचाया है, 3900 करोड़ तक। तो ऊर्जा मंत्री से लेकर डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों में भी इसे लेकर चिंता बढ़ी है और अब ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर गठित की गई है हाई लेवल जांच कमेटी। जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक, अजमेर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम के एफए के अलावा तीनों डिस्कॉम के सीई प्रोजेक्ट कमेटी में शामिल है। टेंडर डॉक्यूमेंट में समय समय पर किए गए बदलाव के पीछे की वजह है टेंडर में ठेकेदारों द्वारा दी गई रेट की रीजनेबिलिटी की कमेटी कर रही है जांच। तो कृषि कनेक्शन के टेंडर ने अब डिस्कॉम के फ्यूज उड़ा दिए हैं, जिस तरह से इस टेंडर पर गौर किया गया, जहां अब अहम निर्देश भी इसे लेकर दिए गए हैं। बता दें आपको, 1 लाख से अधिक किसानों को बिजली कनेक्शन देने से जुड़ी हुई बेहद अहम खबर है, जहां टर्नकी प्रोजेक्ट के तहत ही जारी टेंडर में ठेकेदारों ने पुल बनाया और पुल के खेल में 2300 करोड़ का टेंडर 3900 करोड़ तक पहुंच गया। तो ऊर्जा मंत्री से लेकर डिस्कॉम के उच्चाधिकारियों में भी इसे लेकर चिंता बढ़ी है। ऊर्जा मंत्री के निर्देश पर अब गठित की गई हाई लेवल जांच कमेटी, जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करेगी। जयपुर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक, अजमेर डिस्कॉम के तकनीकी निदेशक, जोधपुर डिस्कॉम के एफए के अलावा तीनों डिस्कॉम के सीई प्रोजेक्ट कमेटी में भी शामिल हुए हैं। टेंडर डॉक्यूमेंट में समय समय पर किए गए बदलाव के पीछे की वजह, टेंडर में ठेकेदारों द्वारा दी गई रेट की रीजनेबिलिटी की कमेटी अब जांच कर रही है। तो कृषि कनेक्शन के टेंडर ने अब डिस्कॉम के फ्यूज उड़ाए हैं, जिस तरह से मिली भगत कर ये टेंडर का खेल खेला गया। समता विकास शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, सरकार और सरकार के अधिकारी बेहद गंभीर है इस तरह के मामलों को लेकर, लेकिन आखिर कृषि कनेक्शन के टेंडर में इतना बड़ा खेल हुआ कैसे और अब किस तरह से जांच की जा रही है? देखिए श्वेता, जिस तरह कृषि कनेक्शनों का जो टेंडर है, उस टेंडर के अंदर सबसे बड़ी बात जो थी, टर्नकी प्रोजेक्ट पे ये टेंडर जारी किए गए थे। टर्नकी प्रोजेक्ट पे सामान्य जो टेंडर होते हैं उनसे थोड़ी रेट ज्यादा आती है, क्योंकि उसका कारण यही है कि उसका भुगतान है, उसकी मेंटेनेंस है, उसकी जो अलग जो नियम शर्तें हैं वो अलग तरह की होती है। लेकिन जो बेस रेट है, उस बेस रेट से 95% तक अधिकतर रेट जो है आई है। हम बात करें जयपुर डिस्कॉम की तो 82% रेट अबव आई है, उसके अलावा अजमेर डिस्कॉम की बात करें तो 50% रेट अबव आया है, इसके अलावा जोधपुर डिस्कॉम की बात करें तो डबल रेट, मतलब 98% तक रेट डबल आई रेट आई है। तो ऐसे में ये सारी चीजें तो है, कहीं ना कहीं सवाल खड़े करती है, कहीं ना कहीं ये खड़े करती है कि आखिर इतनी रेट जो है टेंडर पुलिंग जो है उसका और अंदेशा किया जा रहा है। और इसी को देखते हुए खुद ऊर्जा मंत्री जो उन्होंने 2 दिन पहले बैठक बुलाई थी, बैठक बुला करके सख्त निर्देश दिए थे कि इस पूरे मामले को लेकर एक हाई लेवल कमेटी बनाई जाए। उस कमेटी का गठन जो है ऊर्जा प्रमुख ऊर्जा सचिव भास्कर के सावंत जो है उनकी तरफ से कमेटी का गठन किया गया, जिसके अंदर दोनों डिस्कॉम जो है, अजमेर डिस्कॉम और डिस्कॉम के डायरेक्टर टेक्निकल जो है उनको इस कमेटी में शामिल किया गया है, जो डिस्कॉम के फाइनेंस डायरेक्टर जो है उसको इस कमेटी में शामिल किया गया, तीनों डिस्कॉम के चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट जो है उनको इस पूरे कमेटी में शामिल किया गया है, उनसे रिपोर्ट जो है पूरी बनाई जा रही है। हम आपको इसमें अंदर की अपडेट एक और दे दें कि ये जो कमेटी जो है उसने अभी पूरी जांच जो है, कल हाई लेवल की बैठक जो है वो विद्युत भवन में हुई थी, उसमें पूरी कमेटी ने हर तथ्य को जांचते हुए लगभग रिपोर्ट तैयार भी कर ली है। उसमें से जो चीज निकल के सामने आ रही है उसमें ये कि कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में रेट ज्यादा है। अब उसने अब डिस्कॉम प्रशासन के लिए फैसला लेना है कि इसमें नेगोशिएशन किया जाएगा, ये टेंडर कैंसिल किया जाएगा। अगर टेंडर कैंसिल करते हैं तो उस स्थिति में बहुत बड़ी एक दिक्कत सामने हो सकती है। जो 1 लाख कृषि कनेक्शनों का जो लक्ष्य रखा गया है वो लक्ष्य कहीं ना कहीं पिछड़ता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे में अभी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर के जो टेंडर किया गया है, इस टेंडर में नेगोशिएशन किया जाए, नेगोशिएशन करके उस रेट को। बिल्कुल, बड़ी जिम्मेदारी कमेटी के ऊपर भी रहेगी। बहुत शुक्रिया विकास आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और चलिए।